अभी आप सबकी स्टोरीज, एक एक की स्टोरीज सुन के बहुत हमें इंस्पिरेशन मिला कि किस तरह से यहाँ पे बैठा हुआ एक एक बच्चा ही नहीं, बाहर भी किस तरह से एक एक बच्चे को स्ट्रगल करना पड़ता है। अपने दिनों में हम लोगों ने भी अपनी एजुकेशन के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया था। अपने देश में स्पेशली लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास और लोअर क्लासेस में पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है आज, स्पेशली अपर एजुकेशन इतनी, हायर एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि एक बच्चे को पढ़ने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। पिछले 4 साल के अंदर दिल्ली सरकार ने एजुकेशन के क्षेत्र में जो काम किया है उसकी बारे में खूब चर्चा हो रही है चारों तरफ। आज हम इस पोजीशन पे खड़े हैं कि हम ये कह सकते हैं हमने पिछले 4 साल में जो सिस्टम्स बनाए हैं, जो व्यवस्था बनाई है, हम ये कह सकते हैं आज दिल्ली के अंदर कि दिल्ली में किसी भी बच्चे को पैसे की कमी की वजह से अपनी एजुकेशन छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 12वीं तक की एजुकेशन तो बिल्कुल फ्री है सरकारी स्कूलों के अंदर। पहले सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, लेकिन अब सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हो गए हैं। यहाँ तक कि मिडिल क्लास के बच्चे भी, अब अपने पेरेंट्स भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। और 12वीं क्लास के बाद हायर एजुकेशन के लिए एक तरफ हम गरीब बच्चों को या लोअर मिडिल क्लास के बच्चों को स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो लोन की स्कीम है कि 10 लाख रुपए तक का लोन आप में से कोई भी ले सकता है, आपको कोई कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी चीज़ गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली सरकार गारंटी देती है आपकी, आपको केवल एक फॉर्म भर के देना होता है और उसके बाद आप 10 लाख रुपए तक जितना मर्जी लोन आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। आपको पढ़ाई पूरी करने के बाद 1 साल के बाद आपको वो लोन 15 साल के अंदर आसान किस्तों में वापस करना होता है, विच इज़ वेरी लिबरल। मतलब कोई भी बच्चा ले सकता है, लेकिन आज आप सब लोगों की बातें सुन के मुझे लग रहा है कि शायद उस लोन के बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोग्राम और बनाना पड़ेगा। लेकिन ये स्कॉलरशिप एक एक बच्चे के, आप सब लोगों के सपने पूरे कर रही है, आपके माँ बाप के सपने पूरे कर रही है, ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। यही हमारा मकसद था इस स्कॉलरशिप को शुरू करने का कि ये आप लोगों को पढ़ाई करने में मदद करे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप पढ़ लिख के आगे आप सब लोगों की बहुत अच्छी अच्छी नौकरी लगे और आप सब लोग देश के लिए, देश के विकास के लिए अपने अपने स्तर के ऊपर योगदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक।